रूपा जी, वीट में क्या लग रहा है, वीट में क्या प्राइस की क्या रेंज रहेगी? जितने अभी तक सरकार ने फैसले लिए हैं और बाकी देशों के बयान आए हैं और प्रतिक्रिया हुई है अभी तक गेहूं को लेकर, तो गेहूं के जो दाम है वो अब किस रेंज में देखने को मिल सकते हैं? बैन के बाद उसमें भी बाजार जो है वो हो चुका है और लगातार प्राइसेस मार्केट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो इंटरनेशनल मार्केट में गेहूं काफी महंगा दिखाई दे रहा है और अब उसका असर जो है वो भारत के ऊपर भी आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए किसी के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि आगे चलकर इससे तेजी बन सकती है। रूपा जी, प्राइस का रेंज क्या रहेगा? देखिए, प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस जो है अभी हम देख रहे हैं कि जब गेहूं के ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा था उस वक्त भारत में गेहूं की कीमत 2300 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास थी। तो अभी जो रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है वो 2000 से लेकर 2100 2150 के बीच में फिलहाल मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑन एंड एवरेज की बात करें तो 2000 तक मार्केट सस्टेन रहेगा, इससे नीचे फिलहाल गिरावट दिखाई नहीं देती जी।